सही मायने में नृत्य एक जीवन में उसी को साध लें तो बहुत कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन कम है, एक एक चीज़ के लिए इतनी ये बड़ी बड़ी परंपराएं रही और बुज़ुर्गों ने कैसे कैसे बना दी। लेकिन हाँ, ये कभी कभी जैसे क्लास सिखाते वक्त कोई नहीं है अगर क्लास में या कहीं कार्यक्रम में कोई फंस गया तो अच्छा, हम जो तबला बजाते हैं, एक इसकी विशेषता और भी बताऊं, जितने भी आप नृत्य गुरुओं से बातचीत हो या कभी आप उनके कार्यक्रम में देखेंगे, वो हम लोग जो भी बजाएंगे या गाएंगे है नृत्य के आसपास। जैसे अगर मुझे कहें कि किसी दिल्ली घराने का कोई विशेष कायदा है, ये सब शायद हम इतना नहीं बजाएं, पर नृत्य के बोलों को ज़रूर हम तबले के साथ उनके साथ बजा देते हैं। जैसे अभी नृत्य के बोल दिया, अभी धाती पे बजा तो लेंगे, पर वो एक सही मायने में जैसा होना चाहिए वो बात ईमानदारी से नहीं होगी। वैसे ही जैसे कभी गाने में अब होता है क्या है कि आप कुछ बंदिश आप चाहते हैं कि भाई ये बंदिश ऐसे गाई जाए, क्योंकि मेरे मन में वो भाव या जो भी कुछ आ रहा है कि मैं ऐसा करूं। अब गायक हैं, नेचुरली उन्होंने अपनी गायकी का एक परंपरा अनुसार जैसे गायन सीखा है। अब वो ये नहीं ज़रूरी है कि जैसा उन्होंने गायन सीखा है वैसा ही मेरा भाव मेरे मन में आ रहा है, वो सुन के मेरे भाव और मेरे जो राग रागिनी है वो अलग तरीके की हो गई। तो अब तब हम अपने कैसे बता देते श्री नंद नाचत सुधंग। अब मेरे मन में ऐसा रखे कृष्ण जैसे अष्टपदी के नाचत तो सुधंग श्री नंद नंद, ये सूरदास जी की रचना है। हर शख्स इसे कई लोग करते भी हैं, कई लोग कराते भी हैं उनकी। अब आप देखेंगे तो अगर किसी और गुरुजन को नृत्य करते या इस पे भाव करते हुए देखेंगे तो वो उनकी राग कुछ अलग होगी, क्योंकि उनका वो मनों को छूने वाला वो स्वर जो है, स्वर ऐसी चीज़ है जो दिल को छूती है तो गले से निकलती है। जब तक वो वहाँ ना पहुँचे तो तब यहाँ गले से, और उस और गल दिल को छूने से ही स्वर निकलता है और दिल को छूने से ही वो भाव बन पाता है। अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पे करें तो वो गहराई का भाव नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा ना चलता सो श्री नंद ना चलता सो, ऐसा संगीत हम लोगों का मिलके चल रहा होता है।